Hey guys, welcome back to my channel Comedy World MR. पहला बैशाख आने ही वाला है और ज्यादा दिन बाकी नहीं है. बिहार में शादी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये जो बंगाली लोग का जो इंजॉयमेंट नहीं है हम बिल्कुल मिस नहीं करते हैं. पहला बैशाख मेरा हमेशा कोलकाता में ही बिताया. मेरा शादी का 6-7 साल हो गया, फिर भी पहला बैशाख जो बंगाली न्यू ईयर है वो हम कोलकाता में ही बिताते हैं. और कुछ दिन पहले हम होली का एक शॉपिंग ब्लॉग शेयर किए थे और उसमें हम आप लोगों को बोले थे ये अंडर 500 शॉपिंग. तो उस वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना जो प्यार दियो, इसलिए और एक वीडियो लेके चले आए पहला बैशाख का अंडर 250. तो इसमें से बहुत प्रोडक्ट ऐसा है कि अंडर 250 है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा. हाँ, इसमें 500 का भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं है, वो बता देंगे. हाँ, हम आप लोगों को वो बता देंगे कि कौन सा 500 है, कौन सा 250 है. अभी बहुत अच्छा सेल चल रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी चल जाओ गुड़िया हाट, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सेल चल रहा है. ये हमको कोई भी प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं दिया, पर हम ऐसे ही बोल दें सेल चल रहा था ताकि आप लोग भी मेरे तरह भर भर के शॉपिंग कर पाओ, इसलिए बोले. तो चलो बकर बकर ना करके वीडियो को करते हैं स्टार्ट. और मम्पी डॉट राहुल में आज मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन पार्ट 2 आया, आप लोग जाके वो भी देखना. तो चलो सबसे पहले ये देख के उसके बाद जाना. हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कमेंट करके जाना कि आप लोग कौन सा अच्छा लगा. सबसे पहले ये तो पूछू खरीदी है, ये हम दिखाई देते हैं. पूछू ली है ये वाला, ये एक नाइटी है लेकिन बहुत अच्छा नाइटी है. और ये लिया आपका 250, जो कि इस वीडियो में आप लोगों ना बहुत अच्छा मतलब हेल्प होने वाला है. आप लोग जल्दी जाओ, जो लोग कोलकाता में हो ना गोरीहाट में बहुत अच्छा अच्छा सेल चल रहा है. ये वाला प्रिंट भी बहुत अच्छा है. पूछो हमको भी एक नाइटी गिफ्ट की सेम, लेकिन उसमें कलर अलग है. हम फोटो लगा देंगे साइड में, आप लोग पहन के वो गंदा भी कर दिए. हाँ, इसमें पॉकेट भी है 250 में. यहाँ पे 3 बटन भी है और स्टाइल भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे 2 ऐसे लेस भी है 2 साइड में. तो बहुत प्यारा नाइटी है ये, प्रिंट भी. और गर्मी भी आ रहा है, मतलब गर्मी में ना आ रहा है ना, गर्मी आ चुका है और गर्मी में नाइटी पहनना सच बताए मतलब वरदान की तरह है. मतलब चलो इसको हम रख देते हैं, एक एक करके दिखाते हैं, एक रख. उसके बाद सबसे अच्छा बात, 250 में हम लोग साड़ी लिए. विश्वास कर सकोगे, साड़ी लिए 250 में. ये साड़ी 250 में लिए, हम खोल के नहीं दिखा रहे. ये कुछ ऐसा है ढाकाई. हाँ, ढाकाई जामदानी बोलता है इसको. ये 250, इसका कलर इतना अच्छा, मतलब जो जिनका थोड़ा सा एज है या जैसे मम्मी लोग के ऊपर ही सब साड़ी इतना अच्छा लगेगा, मतलब हम बता नहीं पाएंगे. 250 गाइस, 250, आप लोग जल्दी जाओ गोरीहाट. उसके बाद ये साड़ी भी 250, थोड़ा सा डार्क कलर, वो भी डार्क कलर में है, ये भी डार्क कलर में है. लेकिन ये भी अगर कोई अपना दादी नानी को गिफ्ट करना चाहते हो या अपना मम्मा को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये साड़ी बेस्ट एंड बेस्ट. गर्मी में इसको पहन के ना आप कहीं भी जा सकते हो, इतना और अच्छा भी, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. तो ये 2 साड़ी हम 250 में लिए हैं. चलो इसको भी रख देते हैं. और इसके अंदर ना कुछ है नहीं. पूछू अपने सास के लिए लेके जाएगी, इसलिए पन्नी में रखी है. तो इसमें और पन्नी में और दूसरा भी घर में पहनने वाले भी कपड़ा है, तो इसलिए हम नहीं लेते हैं. ब्लाउज ऐसे तोड़ इसमें नहीं ना, इसमें पेटीकोट. तो उसके बाद आ रहा है साड़ी. ये साड़ी है 500 रुपीज में, जो भी हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को. ये है वो साड़ी जो कि वो लोग बोला था 1150 का साड़ी ये बोला था, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग करके, मतलब मेरा बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छा है, उतना भी अच्छा नहीं है, मेरे से भी अच्छा अच्छा बार्गेनिंग स्किल वाला लोग हम देखते हैं. ये साड़ी हमको अच्छा लगा और ये सेम साड़ी हम वैदुदी के लिए पसंद करके दिए थे. हमको वो ये इसका प्रिंट इतना अच्छा लगा तो हम बोले चल हम ले ही लेते हैं. हम ले ली, करण भी हमको बोले तू ले 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 ले, हम तुमको दिला रहे. हम बोले नहीं, हम मेरे पास बहुत साड़ी, हम नहीं ले रहे थे. लेकिन फिर हम गए थे, हमको फिर लगा कि हमको तो एक लेना पड़ेगा क्योंकि न्यू साड़ी है, क्योंकि शीतला पूजा के टाइम एक लेना पड़ेगा. तो हम बोले कि यही ले लेते हैं, हमको प्रिंट बहुत अच्छा लगा था हम ले ले. तो ये वाला साड़ी ले, ये 500 में हम लिए 500. और उसके बाद ये दिखाई देता है, इसका ही मैचिंग का सम ब्लाउज लिए है. और ब्लाउज भी एकदम बना बना हुआ, मतलब हुआ था ऐसे है बैक और इसका फ्रंट ऐसा है. और ये साड़ी हमको, एक सेकेंड, ये साड़ी हमको मिला
ये ब्लाउज हमको मिला 200 रुपीज में, और ऐसे ब्लाउज अगर आप नॉर्मल खरीदने जाओ ना आपको 350 के नीचे नहीं देगा, लेकिन अभी चैत्र सेल में आपको 200 में ही हमको दिया। लेकिन ऐसे सेम सेम ब्लाउज था 100 में भी दे रहा था, लेकिन हम जब गए थे तब पूरा मतलब क्या बताया आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मतलब इतना भीड़ ना इतना नोचा नोची हो रहा था पूरा ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों को शॉप से लेना पड़ा। लेकिन रास्ते से 100 में दे रहा था, वहाँ पे तो ख़त्म हो गया था, वहाँ हम लोग तो पहले उधर ही गए थे। उसके बाद इधर आ, उधर छुप के है करके क्या देख रहा है, देख रहे लोग बाहर से छुप छुप के मेरा शूट देख रहा है। तो और ये हम 200 में लिए थे, चलो 350 में ये सब देता है, 200 मांगो दिया, मतलब ऐसा को ऐसा लोग तो आप लोग के ग्रुप में भी सारे प्राइस अजीब इसका के बोलता है कि ये तो इससे भी सस्ते में मिल जाएगा। साइड अधिक है, साइड आउट 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 आउट। अच्छा ये साड़ी बताओ, ये साड़ी 300 मतलब अच्छा, मतलब अगर 300 में लेते तब अच्छा होता यार। 250 में लिए डिंकुड़ तब देख कौन है स्मार्ट। अरे वही साइड अधिक इसका, तुम कितना में लेता, सेम ये तो सेम साड़ी, अपने माँ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बीवी के लिए ले ही सकते लड़का लोग, ऐसा क्या बात है कि लड़का लोग साड़ी नहीं खरीदता है। उसके बाद और एक साड़ी लिए जो कि है, ये भी 500 में हम लिए है, और मेरी सासू माँ को दिखाया तो उन्होंने इस साड़ी को चद्दर से एक्सप्लेन किया, सही बात है इतना सुंदर प्रिंट क्या हुआ, बेडशीट है, बोले मम्मी बेडशीट तो नहीं है, बहुत ट्यूशन मतलब प्रिंट देखो, यही अभी यहाँ पे चल रहा है। तो ये साड़ी हम लिए हैं शीतला पूजा में ही पहनने के लिए, कोई एक दिन पहन लेंगे। उसके बाद उस साड़ी के साथ मैचिंग करके हम ये ब्लाउज लिए, लेकिन इस ब्लाउज का हाथा बहुत बड़ा है, मतलब हाथ इतना बड़ा है, लेकिन हमको ना इतना कटवाना है, कटवा लेंगे, पता नहीं कब कटवाएंगे लेकिन कटवा लेंगे। इतना गर्मी में अगर इतना बड़ा वाला हाथ वाला ब्लाउज पहनेंगे तो हमको गेस्ट आया है। ये ब्लाउज, हाँ ये ब्लाउज लिया 250 क्योंकि 200 वो लिया था उसके हाथ की वजह से, और इसका हाथ जैसे कि बड़ा देख रहे हो इसलिए ये 250 लिया, थोड़ा सा महंगा पड़ गया 50 रुपये। उसके बाद ये वाला जो है ये पूछू दी है मायरा को, और सेम ड्रेस हम दिए मम्मम को, क्या हुआ चॉइस को रचे के बोल, हाँ मम्मम चॉइस की ये ड्रेस पॉइला वैशाख के लिए पूछू मायरा को दी, और सेम ड्रेस हम मम्मम को दी, ये कुछ ऐसा दिखता है देखो मम्मा मायरा फ्रॉक पहनते भलो आशे, ये शायद सेल में नहीं था, नहीं ये सेल में नहीं था, ये हमको 300 पड़ा। अच्छा ये नहीं तो ये इसमें रख लेते। उसके बाद एक साड़ी जो कि इतना ऑसम है, और उसका अगर प्राइस सुनोगे तो आपका मुंह से ये जरूर निकलेगा, ना मोटे ही ना हो तो कम नहीं है, कम नहीं है छे ना तेज बिर कर, वो है ये साड़ी जो कैटलॉग तो देखा ही धुमतन धुमतन धुमतन, देखो कैटलॉग जैसे भी हो लेकिन हम कैटलॉग निकाल दे रहे हैं क्योंकि ना कैटलॉग तो ही देखा है, लास्ट में हम दिखाएंगे, अब पहले हम साड़ी का लुक, साड़ी बिर कर भी ना की साड़ी बिर कर तब ना डाले साड़ी, हमको कैटलॉग अच्छा नहीं लगा देना আগে ক্যাটালগটা বের কর তো তোকে আমি এটা দেখাই, ক্যাটালগ বের করে যাবে না আমি তাহলে শাড়ি দেখাবো মায়রা ফ্রিজে আনা আমার ये रहा वो साड़ी, और ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसे सेम कलर का साड़ी मेरे पास ऑलरेडी है वाइन कलर, लेकिन उसमें जो तू और ब्लाउज था दिया था पोते पर भी, हाँ वो छोटा 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 है, लेकिन ये वाला साड़ी का जो काम है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, लेकिन हमको पता नहीं अच्छा लगा प्राइस, तो दाओ तो इटा इसलिए हम ले लिए, दाओ इटा ये पहनने के बाद कैसे लगता है दिखा रहे हैं देखो, पापा की परी तुम बताओ इसका प्राइस क्या होगा, ये तो हेजी का नॉस छे इटा बता होगा 200 देखो अंजलि दूसरा लड़की को टच मत करो, इसको काट दीजिए, ठीक है काटेंगे नहीं काटेगा भाभी, पहले बता क्या कितना लेगा, इसका गर्लफ्रेंड है गाइस इसका कोई प्यार मत करना, ओ बाबा ओ बाबा प्लीज बोल रहे हैं, इसका एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत अच्छा है, नहीं आएंगे हम लोग तो नहीं आएंगे, थोड़ा डिसाइड चल डिसाइड हो रहा है,
तो चलो ये साड़ी का रिवील कर ही देते हैं। ये साड़ी लिया आपका 500। देखो हम दिखा रहे कुछ, ये साड़ी लिया 500। इसका दाम बोला था, इसका दाम बोला था 2000। मतलब 2000 से हम आ गए 500 में सीधा। मतलब ये स्किल ना लगना चाहिए, आप लोगों का होना चाहिए, तभी आप लोग घोड़े यार्ड पे जाओ, क्योंकि बहुत प्राइस होता है। आपको पूरा आसमान से पताल में लाना पड़ेगा, तभी आप घोड़े यार्ड में चीपेस्ट शॉपिंग कर सकते। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोगों को ये मेरा प्यारा प्यारा शॉपिंग पसंद आया। और अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं ये सब समेट के। मेरा भैया आया है शायद, इसके सामने शादी है, वो लोग तब से अकेले बैठे हुए हैं। इसका दीदी है, इसका बाल भी पक चुका है, देख लो गाइस। मेरा देवर के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है इंसान। देखो देखो वो देखो, ये चादर है, चादर है, एकदम साड़ी आसान दी को ना बोल। अरे चाय अभी पोड़ी दे, तू चास तो जीस क्या बोलती, चास तू चीज का, तू जत ही बार बाल लाग तोर बहू के भी किन पोते देबो ना साड़ीटा। আমি सेम साड़ी को সামনে দিয়ে নিতে পারি। ওখানে দাম বেশি বলছিল, 1200 টাকা 1300 টাকা করে দাম বলছিল, 500 টাকা বলছিল। এই সোমনাথ খরিদ দেগা তো মত দিজিয়েগা। আচ্ছা, থোড়ি দের মে মিলতে হ্যায়।